नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ। अब है कृषि के तकनीकीकरण और डिजिटल एग्रीकल्चर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना अब साकार होती नजर आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस ओर एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के कृषि मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है। शुरुआत में देश के 6 राज्यों में शुरू हो रहे इस डिजिटल कार्यक्रम से किसानों को क्या फायदा होगा, ये आपको जरूर बताएंगे। पर उसके पहले आप हमारा चैनल इंडिया फर्स्ट न्यूज जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और दृष्टिकोण को सामने रखा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की पारदर्शिता की सोच के अनुरूप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा कराई जा रही है। इसी तरह मनरेगा भी प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। पहले मनरेगा में प्रोग्रेस होती भी थी तो पूछे जाने पर ठीक प्रकार से परिदृश्य को बताना संभव नहीं हो पाता था। पहले इस स्कीम में अनेक प्रकार की शिकायतें भी आती थी, लेकिन अब प्रसन्नता की बात है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किए जाने से मनरेगा का सारा डेटा सरकार के पास उपलब्ध है, जिससे आज मजदूरी की राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जाती है। आज मनरेगा में लगभग 12 करोड़ लोग जॉब कार्ड धारी हैं, जिनमें से लगभग 7 करोड़ लोग काम प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था हमारे देश की रीढ़ की तरह है। कृषि क्षेत्र ने कोरोना महामारी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिया है। कृषि का कोई भी नुकसान देश का ही नुकसान होता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने अनेक कार्य हाथ में लिए हैं। एक के बाद एक योजनाओं का सृजन व क्रियान्वयन हो रहा है ताकि छोटे किसानों के लिए खेती लाभप्रद बने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज चैनल का किसान फर्स्ट ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके, इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इंडिया फर्स्ट में जो किसान फर्स्ट रखा है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, क्योंकि किसान ही इस देश की रीढ़ है और इसलिए इसका किसान भाई भी इस कार्यक्रम को देखें और अपनी समस्याओं का निराकरण करें और नई नई तकनीक का उपयोग करके अपना कृषि उत्पादन बढ़ाएं। हम सब आपके साथ हैं।